बीजेपी नेता विजय गोयल ने अपने घर पर एक एग्जीबिशन लगाई है, मैं दिखाऊंगा तस्वीर। यहाँ पर हमारे साथ विजय जी, विजय जी क्या मकसद है इस एग्जीबिशन का? देखिए, मोदी सरकार ने जो एक साल के अंदर काम किए हैं उसकी उपलब्धियों को हमने दर्शाया है और हम इन उपलब्धियों को पूरी दिल्ली के घर घर में ले जाना चाहते हैं ताकि लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। जैसे जनधन योजना, जैसे अटल पेंशन योजना, जैसे सुरक्षा योजना, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको हम चाहते हैं कि लोग इनका फायदा उठाएं। लेकिन कांग्रेस तो आपकी पोल खोलने में लगी है। जैसे कौन सी पोल? उन्होंने एक सीडी जारी की है जिसमें वो बयान है, चाहे नेताओं के विवादास्पद बयान हो या जहां यूटर्न लिया है बीजेपी ने, वो भी सारे बयान दर्ज हैं। नहीं नहीं, बयानों पे जाओगे या विकास पे जाओगे जाके? आज मैं बयान दूंगा इसको देखोगे या प्रधानमंत्री ने देश के लिए विकास किया उसको देखोगे? भ्रष्टाचार में बसी हुई थी कांग्रेस, महंगाई कर रखी थी कांग्रेस ने, दोनों से मुक्ति कराई है मोदी सरकार ने। राहुल गांधी लगातार सूट बूट की सरकार कह रहे हैं आपकी सरकार, तो सूट बूट तो इस देश की जनता बहुत पहनती है, उन सबके खिलाफ है क्या वो? और सूट बूट तो उनके बाप दादा से लेकर सब लोग पहना करते थे, वो सूट बूट के खिलाफ नहीं है, वो मोदी की लोकप्रियता के खिलाफ है। एक सवाल ये उठता है, जब सरकार अच्छा काम करती है तो वो जमीन पर दिखता है, लोग महसूस करते हैं, क्या जरूरत है कि अपनी पीठ थपथपाने की और अपना काम के बखान करने की? ऐसा है, मीडिया कहता है, ऑपोजिशन कहती है एक साल में क्या किया। मैं तो कहता हूँ पांच साल के बाद हिसाब लो, इस सरकार को पांच साल के लिए चुना गया है, उसके बाद पूछो क्या किया है। किंतु अब तो लोग सौ दिन का हिसाब मांग रहे हैं जाके। अरे भाई, ये जो जितने खड्डे किए थे पहले उनको भरेंगे, बीज लगाएंगे, पेड़ होगा, अब ये जितनी योजनाएं हैं इनके फल आने शुरू हो गए। जनधन योजना में 15 करोड़ लोगों ने खाते खुलाए हैं, गैस के सिलेंडर आज सस्ते मिल रहे हैं, गैस की सब्सिडी आज पहुंच गई है, आलू टमाटर प्याज के भाव सस्ते हैं, ईंट सीमेंट लोहा के दाम आज सस्ते हैं, पेट्रोल डीजल आज सस्ता हो गया है, भ्रष्टाचार जड़ से मुक्त हो गया है, लोगों की गरीबों की योजनाएं हैं, किसानों को 50 की जगह 33% फसल खराब होने पे मुआवजा मिलता है, और तो और जो बीज के दाम कम मिला करते थे उसके भी भाव बढ़ा दिए गए हैं। मोदी सरकार जिंदाबाद। विजय जी, आप कह रहे हैं एक सरकार में आकलन नहीं, पांच साल मिलने चाहिए, फिर दोहरा मापदंड क्यों? केजरीवाल जी की सरकार को आप नाकाम बता रहे हैं, नाकारा बता रहे हैं, उनको भी पांच साल का वक्त दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ देना चाहिए जी, मैंने तो टेलीविजन के बयानों में भी दिया है जी, सौ दिन कुछ नहीं होते। अभी तो आपके सामने बोला मैंने कि सौ दिन कुछ नहीं होते, पर लोगों का बस चलेगा तो 10-10 दिन में हिसाब मांगेंगे। ऐसा होता है क्या? 10 साल से उन्होंने किया, उनसे हिसाब मांगा नहीं, हमने एक साल में इतने काम किए, मांगा तो हमने उपलब्धियां गिना दी। आखिर ये सवाल, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, आप पर सवाल खड़ा कर रहा है, विपक्ष जो है लगातार सवाल खड़े कर रहा है संसद में, संसद के बाहर, क्या ये सवाल? बहुत सारे सवाल, एक सवाल जमीन अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर। अधिग्रहण बिल बहुत अच्छा है किसानों के फायदे के लिए, विपक्ष को तो मोदी की लोकप्रियता से प्रॉब्लम हो रही है इसलिए बोल रहे हैं। आपने देखा है 2 बिल छोड़ के सारे बिल पास हो गए, तो उस पर भी चिल्लाते थे कि भाई आप इंश्योरेंस का बिल क्यों पास करवा रहे हो, जीएसटी क्यों पास करवा रहे हो। अब जीएसटी को कांग्रेस चाहती थी, क्यों विरोध कर रही है, क्यों रोक के रखा हुआ है? कांग्रेस का काम, कांग्रेस कहती है विरोध करना है। गोयल साहब, आप अच्छे काम भी करोगे तब भी हम मोदी का विरोध करेंगे जी। क्या अब भी क्या चुनौतियां बाकी हैं सरकार के सामने? महंगाई बड़ी चुनौतियां बाकी है। ये जो 60 साल में बेड़ा गर्क किया कांग्रेस ने, उसको सारे को ठीक करने का जिम्मेदार है। विदेशों में वाहवाही हो रही है जी, मेक इन इंडिया हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी, रोजगार बढ़ जाएगा। चलिए, हिंदुस्तान में वाहवाही कब होगी? ये हिंदुस्तान वाहवाही कर रहा है, आप ही लोगों ने सर्वे किए हैं, आपके चैनल ने भी किए हैं, सब दिखा रहे हैं, 76% लोग मोदी को लाइक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। विजय गोयल का यह कहना है कि विदेशों में वाहवाही हो रही है, देश में वाहवाही हो रही है, जाहिर है बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के नेता है विजय गोयल, तो उनकी मजबूरी भी है तारीफ करना, लेकिन जब अपनी सरकार पर सवाल उठते हैं तब विजय गोयल कहते हैं कि एक साल में आकलन नहीं करना चाहिए, पांच साल बाद देखना चाहिए सरकार ने क्या क्या काम किए, लेकिन दूसरी सरकारों पर, खासकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार के 100 दिन पर बीजेपी सवाल खड़ा करती है तो कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड सामने आता है। ये अपनी अपनी सियासत है जो अपने अपने अंदाज में लोग करते हैं। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, फोकस न्यूज, दिल्ली।